तो भाई सर सबसे पहले यहाँ पे एक भाई ने मेरे को कमेंट किया है कि भाई आप चिकन खाते हो करके लिखने के बाद बहुत हंस रहा है। तो यार देखो मैं चिकन कहाँ खाऊंगा, चिकन तो मेरे को खा जाता है। मतलब यार मैं चिकन खाता हूँ, चिकन मच्छी और अंडा सब कुछ खाता हूँ। अंडा तो पिछवाड़े से भी निकल जाता है यार कभी कभी। तो यार इसके बाद में और एक भाई का यार बहुत हंसने वाली कॉमेंट है। भाई ने कॉमेंट किया कि भाई दिन का कितना कमा लेते हो। भाई यार क्या हंसने वाली कमेंट क्यों भाई, अभी तक तो यार यूट्यूब का पहला पेमेंट भी आया नहीं है तो कहाँ से कमाऊंगा। जब यूट्यूब का पहला पेमेंट आएगा तो इसी चैनल पे आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेगा कि यार मेरा पेमेंट कितना आया। ठीक है, तो अभी तो कुछ भी नहीं कमाता हूँ भाई, बस वीडियो बनाता हूँ और कुछ नहीं। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से अगर बहुत अच्छा होगा तो यार आगे चलते हुए मेरे को यूट्यूब के पेमेंट आएगा। बाकी देखते हैं कि आप लोग मेरे को कितना सपोर्ट वगैरह करते हो, कितने ज़्यादा अच्छे लगते हो। अब लोग तो यार बहुत अच्छे हो। बाकी यार यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करें अब लोग का A50 से बंडालकर में, क्योंकि गाइस दो भाई का मेरे पास ये कमेंट आया था कि यार विक्रम भाई A50 से बंडाल के लिए तो यार सब यूट्यूबर बताता है लेकिन तुम कुछ क्यों नहीं बताते हो। तो देखो मैं कुछ क्यों नहीं बताता हूँ बता देता हूँ भाई, क्योंकि A50 से बंडल का इंडियन सर्वर के अंदर अभी के टाइम पे इतना लीक्स नहीं है। क्योंकि गाइस देखो A50 से बंडल है ही ऐसा, क्योंकि ये एक आप लोग का मतलब क्या बताओ, ये स्पोर्ट वगैरह जब इंडियन सर्वर के अंदर देखने के लिए मिलेगा ना उसी टाइम आप लोग का ये वाला जो A50 से बंडल है इंडियन सर्वर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन देखो बाहर की सब सर्वर के अंदर आ रहा है, क्योंकि यार बाहर की सर्वर तो सब कुछ अवेलेबल होता है, इंडियन सर्वर सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है भाई। आप लोग इसके लिए थोड़ा लेट से मतलब इवेंट वगैरह आते। इसके बाद में अगर बात करें कि आप लोग का स्ट्रीट तक रिटर्न करने में पहले के टाइम बहुत भाई लोगों ने कमेंट करता था, लेकिन अभी सब भाई ने समझ चुका है कि यार स्ट्रीट तक बंडल तो अभी के टाइम पे आने वाला नहीं है। क्योंकि यार देखो अगर इसका अपडेट लीक्स होता तो यार डाटा माइनर की तरफ से कोई ना कोई तो अपडेट जरूर रहता कि भाई आप लोग को इस दिन को या फिर उस दिन को देखने के लिए मिलेगा ऐसा करके। तो अभी तो यार जितने भी अपडेट ढूंढ रहा हूँ ना उनमें से स्ट्रीट तक का कोई अपडेट इतना अच्छा नहीं है कि आप लोग को देना चाहिए। फिर भी देखो यार दो भाई तीन भाई का ऐसा कमेंट था कि यार विक्रम भाई हमारा व्हाइट फॉक्स पेंट कब आएगा, तो उसी के बारे में अपडेट देने के लिए स्ट्रीट बंडल का यहाँ पे दिखाना पड़ा। बाकी देखो ये जो पैंट वगैरह है ना ये सब पैंट वगैरह इस ओबी अपडेट को आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा, देखते हैं नेक्स्ट ओबी अपडेट को क्या होता है। इसके बाद में अगर समुराई बंडल की बात करें तो यार काफ़ी सारा भाई का मेरे को ये कहना था कि यार विक्रम भाई हमारा समुराई बंडल कब तक आएगा, इसके बारे में तुम्हारे पास कुछ अपडेट है क्या, कुछ ऐसा भाई लोगों ने कमेंट किया था कि यार समुराई बंडल आएगा तो कब आएगा ऐसा करके भी भाई लोगों का कमेंट आया था। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, इंडियन सर्वर के अंदर भाई समुराई बंडल का अपडेट मेरे को जितना तक है भाई OV43 पे नहीं, OV44 के अंदर है। और अगर OV43 अपडेट पे आता है ना तो कब आएगा वो भी बता देता हूँ, जब आप लोग का रमजान की उइस इवेंट देखने के लिए मिलेगा उस टाइम देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि उइस इवेंट के अंदर बहुत कुछ बंडल होता है तो उसके अंदर शायद गिरना इसको डाल सकता है, और अगर रमजान की उइस इवेंट के अंदर इसको नहीं डालता है गिरना तो OV44 अपडेट के बाद कुछ अलग सा एक इवेंट आएगा जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ टोकन का रिंग जैसा इवेंट देगा गिरना। तो इस टोकन का व्हील या फिर रिंग इवेंट जिसको आप लोग बोलते हो उसको तो उइस इवेंट के अंदर से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगर उइस इवेंट के अंदर से नहीं आता है तो अगर रमजान की इवेंट पे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, उस टाइम आप लोग निकल लेना। तो देखो रमजान की इवेंट को तो यार कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि कितना डायमंड जाएगा, लेकिन रिंग इवेंट आता है ना तो उसमें 3 से 3.5 जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें कि आप लोग का ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट टी शर्ट रिटर्न करने में, तो यार बहुत सारा भाई का मेरे पास ये कमेंट आया था कि यार विक्रम भाई हमारा ब्लैक टी शर्ट व्हाइट टी शर्ट ये सब कब रिटर्न में आएगा इंडियन सर्वर के अंदर। तो देखो यार मैं आप लोग को एक चीज़ कंफर्मेशन करा देता हूँ, ब्लैक टी शर्ट का अपडेट आ रहा है भाई यार कुछ सर्वर के अंदर ब्लैक टी शर्ट को, यार कोई फेडरल इवेंट के अंदर से दिया जा रहा है तो कोई इवेंट के अंदर से मैं कोई दूसरा सर्वर पर देखता हूँ तो वहाँ पर लकड़ा दिया हुआ जा रहा है। तो यार काफ़ी सारे सर्वर के अंदर काफ़ी सारा अच्छा अच्छा करके इवेंट इधर उधर करके गिरना डाल रहा है, लेकिन देखो आप लोग का अगर इंडियन सर्वर के अंदर आता है तो उसमें आप लोग को एक वेव इवेंट दिया हुआ जाएगा, पेड इवेंट ही उसको बोलते हैं। तो एक वेव इवेंट पेड इवेंट के जैसा देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप लोग का कितना डायमंड जाएगा तो मैं अभी के टाइम पे कंफर्म नहीं करा सकता हूँ, और किसी का 500 डायमंड पे भी निकल सकते हैं, किसी का 100 डायमंड पे भी निकल सकते हैं, किसी का 1000 डायमंड भी जा सकता है, किसी का 2000, 3000, 4000, 5000 भी जा सकता है। ठीक है, उस वेव इवेंट के अंदर कितना डायमंड जाएगा ये क्या मैं तो एक क्या कोई बड़े यूट्यूबर भी नहीं बता सकते कि कितना जाएगा। बाकी तो ये देखो बहुत ही जल्दी आएगा, अपडेट के बाद ही मिलेगा। इसके बाद में अगर अपडेट आप लोग का कमेंट की बात करें तो यहाँ पे भाई ने कमेंट किया है कि कोबरा बंडल का कंफर्म डेट, उसके बाद में एक भाई ने राइट करके लिखा है, उसके बाद में स्कार्फ कब आएगा करके लिखा है, उसके बाद में भाई गोल्डन सेट बंडल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ करके लिखा है, इसके बाद में और एक भाई उसने लिखा है कि अर्थी ब्लू कब आएगा प्लीज़ करके लिखा है,
तो इसके बाद में और एक भाई का कमेंट है कि भाई रोज़ MP40 कब आएगा, कंफर्म डेट करके लिखा है। तो देखो यहाँ पे मैं किसी का रिप्लाई नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि यार बहुत कमेंट है भाई, 3 मिनट का कमेंट है यार, कितना सारा कमेंट को पिक किया है, आप लोग खुद देख लेना यहाँ पे। इसके बाद में पम्पकिन एक्समेट कब आएगा, तो यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज के डेट में ही सेकेंड चैनल पर वीडियो आया है, जाके देख सकते हो, उसमें पहले ही बता दिया है पम्पकिन एक्समेट के बारे में। इसके बाद में स्कॉर्पियो बंडल का इन्फॉर्मेशन दो, प्लीज़ पिक माई कॉमेंट, तुम मेरा कभी कॉमेंट पिक नहीं करते हो। तो देखो यार एक दो कमेंट नहीं आता है, ठीक है, बहुत सारा कमेंट आता है, तो किसका लू किसका नहीं लू, ये मेरे को भी अच्छा नहीं लगता यार, इसका नहीं लूँगा तो वो तो बोलेगा मेरे को, और उसका नहीं लूँगा तो ये बोलेगा, तो ऐसा करके तो सबका कमेंट तो पिक नहीं होता है। लेकिन आप लोग एक बात बताओ, कोई दूसरे बड़े यूट्यूबर जो है आप लोग का, वो क्या इतना सारा कमेंट को पिक करता है भाई? मैं जैसे कि आप लोग का सबका कमेंट पिक करके दिखाता हूँ, वो क्या इतना कमेंट दिखाता है? वो सिर्फ आप लोग का एक एक करके छोटा छोटा इंपॉर्टेंट कमेंट को लेता है, बाकी तो दूसरा किसी का कमेंट तो लेता नहीं है कोई यूट्यूबर, लेकिन मैं तो आप लोग का सबका कमेंट लेता हूँ भाई। इसमें यार थोड़ा सा गुस्सा करोगे तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। देखो मेरे को जितना तक हो सकता है मैं उतना तक ही दिखाता हूँ, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग नहीं देखोगे, तो इसमें मेरे को क्या करने का है बोलो। तो इसके बाद में यहाँ पे भाई लोगों का कमेंट देखो, प्लीज विक्रम भाई बता दो सीनियर बंडल कब इंक्लूबेटर कब आएगा। इसके बाद में ब्रो लॉल इमोट मिस्ट्री शॉप पे आएगा क्या, क्योंकि मैंने दिखा कि मिस्ट्री शॉप में लॉल इमोट है। तो देखो भाई एक चीज कंफर्म करा देता हूँ, मिस्ट्री शॉप के अंदर कभी भी लॉल इमोट नहीं आएगा, ठीक है, पहले अगर आ चुका है तो बहुत अच्छा है। अभी के टाइम पे अगर मिस्ट्री शॉप आता है तो उसके अंदर लॉल इमोट क्या, कोई दूसरा अच्छा वाला इमोट भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस लॉल इमोट के लिए अभी एक तो इवेंट कंफर्म हो चुका है भाई यार, अब लोगों का तो यार क्या बोलते हैं उसको, अब लोग बोलते हो इमोट कैप्सूल करके इवेंट, तो वो वाला इवेंट यार मेरे को तो यार वो क्या चॉकलेट वाला इवेंट बोलता हूँ मैं उसको, तो वही चॉकलेट वाला इवेंट के अंदर से अब लोग का लॉल इमोट आएगा भाई। मिस्ट्री शॉप के अंदर देखा हो तो उसको पकड़ के मत चलना। इसके बाद में यहाँ पे भाई ने लिखा है कि भाई मेरा ID season 2, 5, 6 और 7 करके था, तो ID हैक हो चुका है। तो देखो यार ID हैक तो मेरा भी हो चुका है, मैं तो इसके लिए गेम खेलना ही छोड़ दिया हूँ, ठीक है, मैं तो अभी गेम ही नहीं खेलता हूँ भाई, सिर्फ दूसरा सर्वर को लॉगिन करता हूँ, जाके वहाँ से देखता हूँ कि क्या कुछ आ सकता है गेम के अंदर, एंड अब लोग का जो मतलब डाटा माइनर की भाई लोग उससे पता करता हूँ थोड़ा बहुत कि ये आएगा क्या, उसको दिखा के कंफर्म कर लेता हूँ, या फिर वो जो अपडेट देता है ना उसको भी देखता हूँ, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप के ग्रुप है जहाँ के अंदर हम मतलब सब यूट्यूबर ज्वाइन है, वहाँ पे भी देखता हूँ कि क्या कुछ आएगा क्या नहीं, बस उससे मेरे को जो अपडेट वगैरह मिलता है वही देता हूँ। तो अब में से कुछ एक भाई ने मेरे को ये कमेंट किया था, 29 तारीख को कमेंट किया था, जब सुबह में वीडियो आया था उस टाइम भाई ने कमेंट किया था मेरे को कि यार विक्रम भाई हमारा जो ईवो वर्ल्ड है उसका बैनर तो निकल के आ चुका है, तो तुम वीडियो में क्यों उल्टा बताया? तो देखो वीडियो जिस दिन बनाया था उस दिन बैनर आया नहीं था, ठीक है, वीडियो बनाया था मैं 27 तारीख को, और उस वीडियो आप लोगों को 29 तारीख को देखने के लिए मिला था, ठीक है, तो 27 तारीख को उसका कोई अपडेट नहीं था, इसके लिए उस दिन मैं जब वीडियो को बना रहा था तो उस टाइम यार कुछ अपडेट मेरे पास नहीं था, इसके लिए मैं उस टाइम नहीं बताया था, लेकिन मैं बाद में तो उसका कम्युनिटी पोस्ट तो करा दिया था ना, कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर करूँगा, कोई इवेंट भी कन्फर्म होता है और उसके बारे में मैं वीडियो पर थोड़ा सा इधर उधर कर दूँगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चेक करना, उसमें ज़रूर मैं आप लोगों को कन्फर्म करके बता दूंगा, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों का अच्छा होगा, इसके लिए करता हूँ, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आज की वीडियो के अंदर जो भी बता रहा हूँ इसमें से अभी अगर कुछ इवेंट आ जाएगा गेम के अंदर तो उसको भी देखना, मैं एक दिन पहले या फिर उसी दिन को कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं हूँ ना आप लोगों के लिए, ज़रूर आप लोगों का हेल्प करूँगा, हेल्प करने के लिए ही तो आया हूँ। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, दो एक इवेंट दिखाता हूँ तो यार एक दिन में ही आ जाता है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, तो इसमें देखो यार गिरना तो एक तो कोबड़ा बंडल इतना दिन से हम लोग वीडियो बना के आ रहा है अभी भी नहीं डाल रहा है, और दूसरा जो सब इवेंट आता है ना सब इवेंट को दे देता है, इसमें मेरे को भी गुस्सा लगता है और आप लोगों को भी गुस्सा लगता है, मेरे को सब कुछ पता है भाई, टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में यार बात करके आप लोग बंडल के रिटर्न के बारे में, गाइस आप में से भाई का मन में भाई लाइक कर एक भाई हमारा तो कोबड़ा बंडल यार आने वाला था, स्कॉर्पियो वाला बंडल रिटर्न कब आएगा विक्रम भाई, मुझे मेरे पास आएगा यार नहीं कुछ एक महीने ऐसा क्या बताओ, मेरा खुद के पास यार कोबड़ा बंडल है, मैं खुद भी यार स्कॉर्पियो के लिए वेट कर रहा हूं, तो यार आप लोग को कैसे बताओ। तो देखो यहां पे एक क्लियर पॉसिबल डेट यहां पे आएगा बंडल ऊपर में एक साइड देखने को मिलेगा और बाकी में आप लोगों को जो है चार में
आप लोग को चार काला डंडा दिखने को मिलेगा, उसके बाद दूसरा बंडल को कैसे निकालेगा वो बंदा, उसके पास तो डायमंड नहीं होगा। इसके लिए गिरना ने एक चीज सोच के रखा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी के टाइम पे बताने वाला हूँ, और ये बात सुनने के बाद ही आप लोगों का दिमाग के अंदर है ना पूरे के पूरे मतलब क्या दिमाग हाथ में आ जाएगा कि आप लोगों का पूरे के पूरे दिमाग ही खुल जाएगा कि यार स्कॉर्पियो मंडल आएगा क्या नहीं, और कोबरा मंडल भी आता है तो कब आएगा, सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक अभी से लेके जरूर से देखते रहना। तो यार पहले बात करके आप लोग का स्कॉर्पियो मंडल के बारे में, भाई स्कॉर्पियो वाला जो मंडल है ना इसका अपडेट कब है पता है भाई? अब लोग सुनोगे ना तो अब लोगों का दिमाग भी घूम जाएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो मंडल मार्च महीने की 22 से लेकर 24 तारीख के अंदर आएगा, ऐसा अपडेट डाटा माइनर की भाई लोगों से पता चला है। ठीक है, गरीना ने इसके बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं किया है, पहले बात बोल देता हूँ, अच्छे से दिमाग के अंदर घुसा लो। ठीक है, डाटा माइनर की भाई लोगों ने ये बता दिया है कि यार अब लोग का जो स्कॉर्पियो मंडल है वो 22 से लेकर 24 मार्च के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और जो कोबरा मंडल है वो 15 मार्च के अंदर आएगा। तो अभी ये जो बात है ये डाटा माइनर की भाई लोगों ने बताया है। ठीक है, अब लोग अच्छे से दिमाग के अंदर घुसा लेना। ठीक है, मैं बाद में नहीं बताऊँगा ये बात। तो यहाँ पर अगर डाटा माइनर की भाई लोगों ने ये कन्फर्म किया है कि यार 15 मार्च के अंदर अब लोग का कोबरा बंडल आएगा, और उसी मंथ को अब लोग का 22 से लेकर 24 मार्च के अंदर अब लोग का स्कॉर्पियो बंडल आएगा, इसके बीच में कुछ घोटाला ज़रूर होगा। क्योंकि गाइस आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, अगर 15 तारीख के अंदर कोबरा बंडल आएगा तो कोबरा बंडल का इवेंट चलेगा 7 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो चलो यार 15 तारीख को आप लोग पकड़ लेते हैं, तो 15 दिन को अगर आप 15 तारीख को अगर आता है तो उसके मतलब एक हफ्ता होता है 22 तारीख। अगर 22 तारीख को कोबरा मंडल की इवेंट खत्म होता है तो 22 तारीख को ही क्या आप लोग का स्कॉर्पियो मंडल आएगा, तो चलो यहाँ पे भी 2 दिन छोड़ देता हूँ, 24 मार्च को ही पकड़ लेता हूँ। तो 24 मार्च को भी आप लोग का क्या स्कॉर्पियो मंडल आएगा? आप लोग ये सोच सकते हो भाई कभी भी हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है? आप लोग बताओ मेरे को यार, एक इवो मंडल का इवेंट खत्म होगा उसके अगले दिन और एक इवो रिटर्न आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता भाई। यहाँ पे एक चीज घोटाला जरूर है, अब लोग यहाँ पे देखना अच्छे से कि लास्ट में कोबरा बंडल को ही ना पेंडिंग कर दे। गाइस यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ, ये जो कंफर्मेशन किया है सिर्फ डाटा माइनर के भाई लोगों ने कंफर्म किया है। ठीक है, कोई भी यार अभी तक गिरना की तरफ से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक चीज कंफर्म करा देता हूँ कि आप लोग अभी कोबरा बंडल के लिए इतना उतल मत होना भाई। देखो पूरे के पूरे कंफर्म अपडेट मैं आप लोग को दिया। ठीक है, जो भी मेरे पास अपडेट था सब कुछ बता दिया, स्कॉर्पियो मंडल कार्ड में भी जो अपडेट था बता दिया, कोबरा मंडल कार्ड में भी अपडेट बता दिया। स्कॉर्पियो मंडल कार्ड में 2 दिन से मैं नहीं बता रहा था, क्योंकि देखो स्कॉर्पियो मंडल कार्ड में मेरे को जो अपडेट मान जब सुना ना तो मेरा भी सर घूम गया कि यार कैसे हो सकता है ये बात, एक महीने को यार 2 बंडल कहाँ से लाएगा गिरना? गिरना तो ऐसा दिमाग के अंदर घुसाया नहीं है। तो देखो जो भी मैं आप लोग को बता दिया, अभी के टाइम पे आप लोग को कुछ भी इसको कंफर्म मत लेना, 10 तारीख के बाद चेक करेंगे यार कोबरा बंडल और स्कॉर्पियो बंडल दोनों में से कौन सा आएगा। अभी तो यार इसका कोई दूर दूर तक अपडेट मैं नहीं दे पाऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट करोगे ना तो भी मैं इसके बारे में अपडेट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देखो कंफर्म होगा तब अपडेट दूंगा, जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना ही छोड़ सकता हूं। क्योंकि गाइस देखो वीडियो अगर बनाना छोड़ दूंगा ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे को यार चैन से तो सो पाऊंगा ना रात को, इसके लिए बता रहा हूँ। फिर भी देखते यार कल क्या अपलोड करूँगा, क्या कुछ मतलब करना पड़ेगा, देखते आगे चल के। बाकी तो यार आज की वीडियो बस इतना सी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे इतना टाइम तक बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया नहीं है तो आपका मर्जी है, आप लोग सब्सक्राइब करोगे क्या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।